कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मी आमंत्रित करतो श्री संजयजी अगरवाल यांना. मी त्यांचं नाव घेतलं, मी मूल्यवर्धन मध्ये त्यांचं नाव घेतलं की मूल्यवर्धन कसं शक्य आहे, आपल्याला त्याच्यामध्ये काय काय पर्याय आहेत. एक तर जल्दी प्रक्रिया आहे आणि एक कॉटन सीड ऑइल मिल आहे जिथे आपला बियाणे जाणार आहे. संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद, थैंक यू. हाँ संजय जी, पहले तो आपके बारे में थोड़ी पहचान, आप ऑयल मिल में कैसे आए, आपको इतने साल हो गए, चौथी पीढ़ी आपकी है, तो ये पीढ़ी से आप इंटरेस्ट से आए या कुछ आपने इसमें फ्यूचर देखा इसलिए आप आए कि पिताजी ने हाथ पकड़ बिठा दिया आपको ये ना है? नहीं, वैसे के हमारे दादाजी के हाथ का 1942 की है हमारे परचेसिंग जमीन की और ऑयल मिल की. ऑयल मिल 1942 में मतलब आजादी के पहले चालू करा था अपन ने. और मेरी थर्ड पीढ़ी और मेरे लड़के की फोर्थ पीढ़ी है. क्या बात है, बहुत बढ़िया. हाँ तो इसमें अभी मेरे पास में 21 एक्सपेलर है अभी. और किसानों से जरा मेरा ज्यादा ही लगाव है, तो किसानों की उन्नति के लिए मैं इसे करते रहता. जैसे फॉर एग्जाम्पल सीसीआई नहीं था, 2003-04 की बात है, और सीसीआई का ऑफिस का ये भी नहीं पता था. फिर मध्य प्रदेश में मेरे ससुराल में गया, उनको बोला भैया जो ये सीसीआई कहाँ दिल्ली है क्या कहाँ है, मेरे को अमर नंदुरबार में चालू करना है. पर जो रूमता साफ करके थे जब 3-4 की बात है, तब उनको बोल के अपने यहाँ चालू करा है. आज ये हमारी भी खरीदी चलने की और उनकी भी चलने की सीसीआई वालों की, तो हमारे भागीदार बोले उनको मत बुलाओ, सीसीआई वालों को अपना नुकसान होगा. मतलब अपना नुकसान हो ही नहीं वो मालूम नहीं मेरे को, और मेरे किसान का जरूर नुकसान हो जाएगा अगर सीसीआई नहीं लाए तो. क्या तो आज इसी पोजिशन है. आज 5400 रुपए में आज भी नंदुरबार में आवक है, वो चाहे उतनी बुलाते हैं. जैसे आज भी 1000 क्विंटल माल तुल रहा है कपास, और एपीएमसी में उन्होंने नोन करके प्लानिंग, अच्छा प्लानिंग करके वो करा है. उसके अंदर जो बोगस, जो किसानों के नाम से जो बोगस नाम से जो नोन थी, वो कलेक्टर साहब ने वो पंचनामा कर करके करा है, किसका कपास पड़ा है नहीं है. तो उसमें तकरीबन 1600 की नोन थी, उसमें से 450 तो गायब हो गए जो उनके पास. वहाँ वो किसानों को कहीं भी छोटा मोटा लालच दे देते है. तो आज ऐसी पोजिशन है कि ये सीसीआई होने से तो 5400 में भी ले रहा है वो. सीसीआई नहीं रहती तो मेरे ख्याल से 4000 रुपए के वादे हो जाते. सही बात है, हो जाते हैं. और इस कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब तो कहाँ जाते किसान, मतलब ये तो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं. हाँ, अबे हमने विशेष करके चालू कराया. जैसे जो मध्य प्रदेश के जो आदमी थे जो जीनिंग चलाते, क्योंकि अपनी पीढ़ी तो फेडरेशन ने खत्म कर दी 3 पीढ़ी. तो अभी वो जो यहाँ लेबर को आदत है, जीनिंग की ना जीनिंग के मालक को आदत है. जैसे मेरे को आज रुई अगर खींचना तो अभी आया मेरे को 5-7 साल में, ऐसे कई पीड़ा खत्म हो गई. तो लेबर का भी ये पोजिशन, अपने वाले लेबर काम नहीं करते, जिसे मध्य प्रदेश से लाना पड़ता उनको. तो अभी वो है. जैसा भी करके मार ठोक के बोलते थे, अपन उसको काम निपटा दिया, चल रहा है अभी. आज भी 1000 क्विंटल की खरीदी. अब मेरा ऐसा मानना है कि मैं जगह जगह जाता हूँ, मैं हर किसानों के अभी जाता हूँ, मिलता हूँ, बात चर्चा करता हूँ. तो मेरी एक बात ऐसा ध्यान में है मनीष भैया, कि अगर किसान जैसे अपन वो जैसे हम खला बोलते हैं, जहाँ माल जो तोड़ के वो सुखाते हैं ना, उसको खला बोलते हैं, और खेती को मला बोलते हैं. तो फिर मैं बोला भाई मला 4 महीने में, 4 महीना अपने को खेत में लगता है कपास की बात करें तो, और 4 महीने खले से मले में, मले से खले में अगर किसान लोग अगर प्रॉपर उसका मॉइस्चर निकाल के अगर क्वालिटी अगर बना के अगर वो कपास देवे, तो ये जो सीसीआई हो या कोई व्यापारी हो, वो कंडीशन से अगर कपास तैयार कर लेता है उसके खले में ही, तो मैं समझता हूँ उसको मार्केट में भी आने की जरूरत नहीं, उसके घर बैठे माल बिक जाएगा. एक बार. दूसरी बात, अगर समझो उसको जो प्रॉपर रेट होना, जो मुझे अभी जैसे फेडरेशन ने हाथ पाव जोड़ने का लगाया था पिछले 25-30 साल से, जब भी चालू होगा फेडरेशन का, तो वो आदत जो अपनी छोड़नी पड़ेगी. तो उसके लिए अपने अपने माल पे विश्वास रखते हुए कपास जो अपन जो पैदा करते हैं, जो बेस्ट सुपर क्वालिटी का माल रहता, थोड़ा सा उसके अंदर ऐसा रद्द बदल करे कि थोड़ा मॉइस्चर अगर हटा के निकाल के ले आए, तो मैं समझता हूँ किसी के हाथ पाव जोड़ने की जरूरत नहीं.
वो सीसीआई हो, फेडरेशन हो या प्राइवेट व्यापारी हो, उसको भाव को माल मिलेगा। और जो शेतकरी का जो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए या आम पब्लिक से लेकर सरकार तक की इच्छा है, और अपन अगर समझो उसके ना थोड़ा सा रद्द बदल अगर चेंज करें, मैं समझता हूँ कि किसानों के जो हंसी है और बड़ी हो जाएंगी। ऐसा क्या बात है, और हंसी वापस लाना है, हंसी को हाँ, बरकरार रखना है, ये जो आपकी बात है ये बहुत अच्छा है। संजय जी, ये बात काफी बताइए कि मूल्यवर्धन की जो अपनी आज टॉपिक हमने लिया है और आपकी तरफ हमकी हमारी उम्मीद है, तो कपास के बीज में ऐसा क्या स्पेशल है कि आपकी इंडस्ट्री ही पूरी कपास के बीज पे चल रही है? हाँ, उसका क्या क्या इसके जो बीज से जो खल निकलते हैं ना, अपन मराठी में ढेप बोलते हैं या हिंदी में खली बोलते हैं और गुजराती में खोड़ बोलते हैं। जो जी खली है ये तो इसका मेन पार्ट रहता है 85% का, जी सर, और जो इसका ऑयल कंटेंट है 10 से लेकर 14 तक रहता है। हर साल जब जैसे पानी कम ज्यादा गिरा या किसानों ने जैसे कोई पानी अच्छा गिर गया कि प्रॉपर पानी का प्लानिंग रहा, या जो उनका जो दवा दारू अगर बराबर करी, तो ऐसा कोई एरिया आ जाता है या कोई उसमें 14 किलो तक तेल निकलता है। जैसे आज मेरे ख्याल से विदर्भ में बहुत अच्छा है ऑयल परसेंट, वो प्रॉपर पानी गिरा है। तो ये जो खल है ये जी वापस से किसानों के घर में जाती है, क्योंकि उनके गाय भैंस का उनका जोड़ धंधा है। हाँ, बरोबर है। तो वो जोड़ धंधे के वजह से क्या होता है कि अभी हम जो हमारी फैक्ट्री आज 75वां साल मना रहे हैं, तो हम हमारा जी रिकॉर्ड है कि हम 100% प्योर बोले तो 1 ग्रेड के कॉटन सीड का 1 ग्रेड खल देते, जिससे क्या होता है कि हम जो उनको जो दूध का जो फैट बेचना पड़ता, फिर जो उनकी जो गाय भैंसे हैं उनका जो स्वास्थ्य है, जैसे अपन अच्छे क्वालिटी का घेव खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वैसे वो अच्छी क्वालिटी का अगर खल खिलाए तो उनको जो दूध का जो फैट जी मिलना चाहिए, जैसे अभी 6 रुपये फैट है हमारा गुजरात 2 किलोमीटर पे नंदुरबार से, तो हमारे अमूल डेयरी सुमूल डेयरी का दोनों यहाँ से 12 किलोमीटर पे है उनका कलेक्शन सेंटर, तो जी वहाँ वहाँ जो 6 रुपये फैट पे दे रहे हैं, मतलब दूध की कीमत दे रहे हैं। तो आज 9 फैट जी बेचना हमारे खली में मामूली बात है। अब नौ नौ सौ ओह चौपन मतलब 54 रुपये लीटर मिलता है ओह उनको रेट। हाँ, इतना फायदा होता है कि क्योंकि ये सभी कपास के बीज में से आया हुआ है और ये जी, अल्टीमेटली किसान को ही फायदा कर रहा है। हाँ, किसानों को है ना, किसान के जो है ना, जब मतलब क्या हुआ, कपास भी उन्होंने पकाया और वो बाकी है प्रोसेस इंडस्ट्रीज में हो गई, जीनिंग में रुई निकल गई, हमारे कॉटन सीड आ गई, हमने क्रशिंग करके खल वापस उनको दे दी। सही बात है, मतलब पैदा करने वाला भी किसान है और और उसको फिनिश करने वाला खरीदने भी वाला किसान, तो उपभोक्ता भी किसान ही है। उपभोक्ता भी किसान ही है। तो ये अच्छी गुणवत्ता का किसान बीज अगर से आपने ले लिया तो ये जी, कहाँ कहाँ तक फायदा जा सकता है, और इसमें अच्छी ऐसा है गुणवत्ता कि के बीज का क्या फायदा होगा किसान को? इसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा बैठ गया है, तो हम क्या करते हैं कि भाई खल का भाव और कम कर देते, 20 रुपए क्विंटल कम कर दिया तो माल ज्यादा स्पीड में बिकता है, क्योंकि मेरे को ओके तेल की रिकवरी हुई है। मेरे को तो मेरा प्रॉपर जो फैक्ट्री का सही बात है। एक्सपेंसेस है वो निकल गया, बाकी चलते रहता है ऐसा। और मेरे आज मैं समझता हूँ मेरे जो दोनों ऑयल मिल में हमारा रिटेल काउंटर आज बहुत बढ़िया, तकरीबन तो 300-350 बोरी तो हम एक एक दो दो बोरी करके बेच डालते हैं। ओहो, हाँ, और कोरोना काल में हमने तो बीज अगर तकरीबन अच्छा है सर, काफी आगे सराहनीय, हाँ काफी सराहनीय कार्य है सर आपका किसानों के लिए। पिछले साल मैंने फार्माथोन में पार्टिसिपेट किया था। मैं जी फार्माथोन में पार्टिसिपेट हुए हर एक किसान की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने उन्हें गिफ्ट हैम्पर दिए। और कॉटन सर बैग्स मैं, पूरे संजय जी के हाँ द्वारा जी मिल सर, के जी तरह सर, थे और सारे किस 500 सारे किसान ने उनका फायदा लिया। नहीं, हाँ सर, अभी 500, अभी अभी देखो, अभी तो बड़े बड़े किसान बैठे हैं आपके पास में, अमृत राव जी वगैरह, सुरेश जी वगैरह, अभी इनको भी आइडिया है क्या, अगर ये मेरा एक ही पॉइंट है, अगर किसान अगर खले में अगर माल तैयार कर ले, कपास नहीं एनी आइटम, चाहे गेहूँ हो, सोयाबीन हो वगैरह, जो उनका जो प्रॉपर मॉइस्चर है, जो मट्टी नहीं होवे, मैं ऐसा मानता हूँ किसानों का खर्चा आधा हो जाएगा, मतलब जो उनके घर बैठे लोग लेके जाएंगे माल। क्या बात है, बहुत हाँ, बढ़िया सर, आपकी और वजह से किसान अल्टीमेट प्रोड्यूसर और अल्टीमेट कंज्यूमर खुद बन रहा है। है वो ऑलरेडी है। अच्छा, भाई उनको उसको चॉइस नहीं है, चॉइस है, पर उसको जो भाई प्रॉपर अलग से गाइडलाइन, बेस्ट खाना नहीं है, मतलब अपने अब
अपने गाय भैंस के लिए बेस्ट खाना अगर उपलब्ध करना है तो ऑयल सीड केक से बेटर कोई खाना नहीं है। हाँ फिलहाल तो वही वही चल रहा है ना भाई, ये बाकी के दूसरे जो कलेक्ट करते हो, जैसे बाकी के जो चूरी आती है जैसे तुवर चूरी चना चूरी, वो तो अपना काम करेंगी, पर मेन रोल है इसका खली का ही आएगा। बराबर है सर। हाँ मैं एक डाउट पूछना चाहूंगा, जी, जो अपना सोयाबीन क्रॉप रहता है उसका ऑयल परसेंटेज 40-45% रहता है, और कंपैरेटिवली कॉटन कॉटन का 10-12% रहता है, नहीं नहीं गलत सर? बोल रहा आप। हेलो, सोयाबीन में ज्यादा 20 रहता है, 20 ऑयल हाँ परसेंट। सर, सॉरी सॉरी सॉरी, सोयाबीन का प्रोटीन परसेंटेज उतना रहता है, जी 40-45। जी हाँ, तो ग्राउंड नट का वैसा रहता है, ग्राउंड नट का फोर्टी टू फोर्टी फाइव ऑयल प्रोटीन परसेंटेज रहता है। जाता है। हाँ सर, तो सर क्या आप ग्राउंड नट का भी ऑयल ये करते हैं? नहीं मैं 92 से बंद कर दिया मैंने, क्योंकि वो मिक्सिंग करे से पुरता नहीं, और मैं हम मिक्सिंग करते नहीं। समझे, मतलब कॉटन में से ही एक खाली कॉटन सीड ऑयल क्रश करके इन्होंने 75 ईयर्स निकाले हैं, क्योंकि इसमें उनको मूल्यवर्धन करके उनको नफा हुआ है, इन्होंने इसमें नीति रखी है और इन्होंने अपने 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 हिसाब से अपने विजन बनाया है। आज और चौथी पीढ़ी को किस तरह हम प्रेरित कर सकते हैं, आज अपने बच्चे कुछ करना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं नहीं, क्योंकि उनको लगता है इसमें कुछ फायदा तो है नहीं, क्यों करने का, पर इनकी तीन पीढ़ी ने वो फायदा करके दिखाया है और नीति का मूल्य बनाया है, इसीलिए चौथी पीढ़ी इसमें आ रही है। संजय जी आपका बहुत बहुत आभार, आपके व्यूज वजह से हमारे काफी किसानों को काफी प्रोत्साहन मिला है, और हम कभी एक किसानों का डेलीगेशन आपके ऑयल मिल में लेके आएंगे तो आपसे और गाइडलाइंस और देखते गाइडेंस हैं हम इसमें देखते ले हैं, पाएंगे। क्योंकि देखो एक ही बात तो आखिर में बोलूंगा भैया, जो जी बताइए ना। किसान का जो है, ये किसान मेन डायरेक्टर यही है, अगर इन्होंने सही पक्का है उनका, एक तो वो तो नाम भरोसे है बराबर, उसके बाद बिल्कुल में अगर क्वालिटी का जो उन्होंने प्रॉपर जतन करा और प्रॉपर वो लेके गए हर जगह, तो जी मैं समझता हूँ शेतकरी को जो समझा भी तो एपीएमसी के मगजमारी मिट गई। आप डायरेक्ट जी प्लांट पे ले जाओ ना, आपका कपास सोयाबीन ले जाओ, आपको डायरेक्ट वहां मिलेंगे। पर सही कब बात है। मिलेंगे आपका वहां जो सोयाबीन है बिना मट्टी का, कम मॉइस्चर वाला, जो मतलब जैसे उनको मेरे ख्याल से 10% ऑयल मॉइस्चर कंडीशन है, अगर उतना अगर आप प्रॉपर ले जाओ तो आपको डायरेक्ट वहां मिलेगा। और मैं समझता हूँ 100 से 150 रुपये तो सोयाबीन में फायदा होगा, सही बात है, हाथ पैर जोड़ने की जरूरत ही नहीं किसी को, जरूरत ही नहीं ना। अपन नहीं बोलेगा, अपना माल बोलेगा, बराबर है। और अपने गुणवत्ता से किसान बड़ा कोई कोई अरे कोई पारी तो गुणवत्ता से बड़ा कोई पब्लिसिटी नहीं है प्रमोशन के लिए, आप अपनी क्वालिटी हम बोलने दीजिए। किसान ऐसे जिंदा नहीं ले, किसके रहमो करो में नहीं चलता है साहब। ये तो ठीक है, कुदरत का मार गिर जाता है तो इसलिए हाँ ही है, बाकी जो किसान तो खुद अपने आप में मतलब मेंटली इतना पावरफुल है कि पूछो नहीं। तो सही उसको अगर बात है, थोड़ा थोड़ा सा अगर गाइडलाइन अगर अपन उनको मिल जावे, या वो भी खुद आपसे जैसे संपर्क करके, ये अगर जी मॉइस्चर का ये मट्टी का ध्यान रखें ना, हर चीज में बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। और मैं समझता हूँ उनको 5% से लेकर 10% तक का फायदा हो सकता सही बात है, जहां एक है, दो ठीक टके की मारामारी है वहां 5 से 10% का फायदा उनको हो सकता है। 100% होगा। और उनको खर्चा भी नहीं आएगा ना भाई, सिर्फ जो खुद का ट्रैक्टर है वो ले जाओ आप, आज दुनिया में एक से एक सोयाबीन प्लांट आप डायरेक्ट ले जाओ। आज देखो वहां क्या, अभी मैं देखता हूँ 36 रुपये में खेड़े पे माल ले रहे किसानों से, और 3900 का भाव है। 300 रुपए का खर्चा थोड़ी है धुलिया ले जाने का, तो नहीं है किसान डायरेक्ट ट्रैक्टर लेके गया तो 25-50 रुपए क्विंटल का खर्चा आएगा, ताकि 150 से लेकर 250 रुपए का फायदा हो सकता सही बात है, थोड़ा अपने को मेहनत करना है पर इसका फायदा अपने को लेना है। होगा, तो उनके अपने निगाह में लाके खरीदार तक देना आपको पहुंचना है, होगा। जी नहीं उनको सिर्फ निगाह में लाके देना है किसानों को, शेतकरी को, कि भाई जी आप है ना जरा से क्वालिटी मेंटेन। अब जब 4 महीने रुक सकते हो हाँ खेत में, तो और 4 दिन बिल्कुल खले में लेके क्वालिटी बनाओ, और वहां एकदम फर्स्ट क्लास खड्डे में बैठ के बोलो कि मेरी ये भाव है, आप ले सही जाएंगे बात सर? है, क्वालिटी क्वालिटी हर कोई ढूंढता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपका पूरा जैसे खेली मतलब क्वालिटी के ऊपर है। हाँ, अभी देखो सर मॉल में जाओ आप, फोन लगाओ कि भाई हमारे को 5 किलो गेहूं होना, ये दस जी किलो अब ये होना, तो जो भाव लेके 40 रुपये लगाए गेहूं के, जबकि 1800 के भाव है, अपन जी 40 रुपये देते देते ना, हैं, बराबर है तो ये 40 रुपये 20 के 40 हो गए, तो किसानों का हक होता है 20 का 40 मिलाना। तो ये अगर ये किसान अगर समझो ये क्वालिटी बना के खुद पीस पे रखे, तो हाँ वो 2000 का 2200-2500 कोई भी ले जाएगा। सही बात है, खरीदार अपने आप ढूंढते हुए आएंगे आपको खाली क्वालिटी पकड़।